हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एसएससी जीडी एग्ज़ाम खुशखबरी, कुल पदों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। ठीक है, देखिए कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, यहाँ पर इसको मैं दिखाऊंगा। और जो रिजल्ट की तारीख भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है वो इम्पोर्टेंट नोटिस। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, और ये 11 तारीख को ही पब्लिश हुआ अभी हाल ही में। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, रिपोर्टेड वैकेंसी, पहले 54,900 के समथिंग कुछ वैकेंसी थी, 973, अब यहाँ पर वैकेंसी भी कुछ बढ़ा दी गई है, 58,373 करके वैकेंसी कर दी गई है। ठीक है, यानी कि 3,000 के समथिंग आपके पास जो है कुछ वैकेंसी यहाँ पर बढ़ी हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था टोटल यहाँ पर, तो 52,20,335 जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, 52,20,335। अब देखिए थर्ड नंबर पर देखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो केवल 30 लाख ही जो कैंडिडेट्स हैं, 30,41,284 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखें कुछ 11 लाख के समथिंग जो है कैंडिडेट वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, 21 लाख के समथिंग, सॉरी, ठीक है, 21 लाख के समथिंग जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर तो नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ में, फोर्थ है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, तो यहाँ पर वो भी दिखा रखा है सब कुछ कि 58% ही जो है अटेंडेंस यहाँ पर एग्जामिनेशन में हुई है बच्चों की। फिफ्थ नंबर पर दे रखा है नंबर ऑफ शिफ्ट, तो यहाँ पर 54 शिफ्ट थी, एक दिन में 3 शिफ्ट थी, टोटल जो है वो 54 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। सेवन्थ नंबर, नंबर ऑफ़ सिटीज़ एग्जामिनेशन, तो 125, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेन्यूज़ थे 297, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड, तो 31। अब लास्ट में जो दे रखा है ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो 31 मई को यहाँ पर शो कर रहा है कि रिजल्ट आएगा। ठीक है, 31 मई को यहाँ पर दे रखा टेंटेटिव यानी कि संभावित डेट, 31 मई 2019। अब देखिए ये है रिजल्ट की बात, ओके, इससे पहले आपकी आंसर की आ जाएगी, और आंसर की मेरे हिसाब से जो है अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाएगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यहाँ पर शायद मार्च के लास्ट में ही आ जाए। ठीक है, और रिजल्ट ये टेंटेटिव है, ठीक है, 31 इससे पहले भी आ सकता है क्योंकि 31 मई तो बहुत दूर है अभी, अभी अप्रैल भी पूरा पड़ा, तो शायद अप्रैल में ही रिजल्ट आ जाए, बट आंसर की गारंटी है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल के मिड तक आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, 11 तारीख का अपडेट है, यहाँ पर सारा कुछ मैंने बता दिया, यहाँ पर जो जो यहाँ पर अपडेट दिया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।